हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीरीज टॉक्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इन दिनों बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, सवाल आ रही है बार बार कि सूट्स, जो कि अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ है। और दोस्तों इस सीरीज़ में आपको माइक रॉस और हार्वी स्पेक्टर, दो बहुत ही शानदार फिक्शनल कैरेक्टर्स जिनसे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड है। और दोस्तों ये सीरीज़ एक लीगल ड्रामा सीरीज़ है और पूरी तरीके से न्यूयॉर्क के ऊपर बेस्ड है, एक लॉ फर्म जिसकी शुरुआत होती है पियर्सन हार्डमैन के साथ। और दोस्तों ड्रामा होते होते बहुत सारे नाम बदलते रहते हैं, लेकिन माइक रॉस और हार्वी स्पेक्टर इस सीरीज़ की जान है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये सवाल आ रही है कि क्या इस सीरीज़ को हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ कन्फर्म अपडेट्स निकल कर आई है, तो सोचा है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तब तक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों इस सीरीज़ की सबसे पहले बात करें हिंदी रिलीज़ के बारे में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ जो है ये US की ओरिजिनल सीरीज़ है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस सीरीज़ को प्रीमियर किया गया था USA नेटवर्क June 23, 2011 में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी पुरानी सीरीज़ है। सीरीज़ में कुल 9 सीज़न आपको नज़र आने वाले, और हर सीज़न में कम से कम आपको 10 एपिसोड जो कि घंटे भर के होंगे नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों बुरी बात यह है कि ये सीरीज़ बहुत पुरानी है और ओरिजिनल US में हुई थी, तो इसी वजह से इस सीरीज़ की हिंदी डबिंग अभी तक नहीं करी गई है। अब दोस्तों ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन क्या दोस्तों नेटफ्लिक्स इसे हिंदी डब करेगी? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो सूट्स की सैटेलाइट जो उनके पास राइट्स है वो फ़िलहाल नेटफ्लिक्स के पास है, लेकिन दोस्तों वो हिंदी में इसे डब नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों ये राइट्स उनके पास नहीं है और ये राइट सीरीज़ की बेची भी नहीं गई है नेटफ्लिक्स को। तो नेटफ्लिक्स अगर ये चाहे तो भी इस सीरीज़ को डबिंग नहीं कर सकते हिंदी में। तो दोस्तों जाहिर सी बात यह है कि इस सीरीज़ की हिंदी डब कभी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप सबको ये सीरीज़ देखनी है तो आपको इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए दोस्तों फ़िलहाल यही अपडेट है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस अभी आ जाए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए चैनल पर बने रहना, मिलता हूँ अगले वीडियो में।